महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने, ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया, ये हमको याद रखना चाहिए। आज महिलाएं सरपंच है, दलित सरपंच है, ओबीसी सरपंच है और दूसरे अनेक लोग जो देहात में रहते हैं वो पॉलिटिक्स में आकर अपने नीति से वहाँ पर काम करके उन्होंने सरपंच, पंचायत मेंबर ये सब कुछ बने हैं। ये कांग्रेस के वजह से, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 20 साल पहले 21 साल वोटरों का उम्र थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने आप तमाम यंगस्टर्स को वोटिंग का अधिकार देने के लिए उन्होंने 21 उम्र को निकालकर 18 साल कर दिया और पूरे नौजवानों को वोटिंग का पावर दिया। यह हमारी देन है, हम चुप कहीं मोदी जी के जैसा बात नहीं करते, काम करके दिखाए हैं, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लोग बार बार ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी, अब तो 70 साल पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो, अब बोलते हैं 55 साल में कांग्रेस क्या की। अरे मैं बार बार बोलता हूं ये बात मत बोलिए, मोदी जी और आपके साथी लोगों को कहो कि कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछो कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमने सब कुछ किया, इसीलिए आप मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नहीं तो आपको कोई पूछना, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने मिलके जो इस संविधान बनाया देश का, उस संविधान से आज तुम प्रधानमंत्री बने हो और शाह होम मिनिस्टर बने हैं। और आप जितने भी एमएलए एमपी किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन सकते, मेयर बन सकते, ये किसकी देन है? ये देश के संविधान की देन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और फिर भी, अब फिर भी आज बीजेपी पूछती है कि आपने क्या किया। हमने बहुत कुछ किया, अभी ये बता रहे थे हमारे हुड्डा साहब कि 10 साल पहले वो जो यहां पर चीफ मिनिस्टर रहे, आप सब लोगों को तो मालूम है, जब वो जब यहां थे, यहां के इंडस्ट्रीज कितने प्रॉस्परस थे और पेपर मिल, फ्लाईवुड के बड़े कारखाने और भी कारखाने यहां पर लाए गए, उसको चलाया गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। अब मोदी जी के जमाने में क्या हो गया, उन्होंने तो एम्प्लॉयमेंट देने का बंद ही कर दिया, महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लेकिन मोदी अभी भी कहते हैं आप मुझे साथ दो, मैं देश का विकास करूंगा। अरे देश का क्या विकास करते हैं मेरे को बताओ, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम बनाए, भाकरा नानल जैसे, हीरा कुंड जैसे और भी बनाए, और कारखाने बनाए, एचएमटी जैसे, एचएएल जैसे, बीएल जैसे, ये सब कारखाने बनाकर
लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया और आप क्या कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट छीन ले रहे हैं। और जो जनता अपने पसीने से टैक्स देकर जो बड़े बड़े कारखाने तैयार किए थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसको मोदी जी एक एक करके अमीरों के हवाले कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। पैसा हमारा, तुम्हारे दोस्तों को फायदे के लिए ये काम कर रहे हो। आप कहते हो मैं सच्ची देशभक्त हूं, देश मेरे वजह से आज मजबूत है। क्या मजबूत है? अरे तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं। और हमारे पास ऐसे नेता हो गए, इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके, बांग्लादेश को आजाद करके आज एक सेपरेट नेशन राष्ट्र बना के दिए, 1,00,000 लोगों को जेल में रखा। तुम तो हमेशा वही बात करते, मैं वो किया, ये किया, ये पहाड़ से वो चूहा निकाला, वो पहाड़ से बिल्ली निकाली। ऐसी बात करने से देश की मजबूती बनती है? जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के निर्णय और कंप्यूटराइजेशन का एज पंचायत हुकूमत को स्थापन करने में हमारे राजीव गांधी जी ने काम किया, उसको काम कहते हैं। नेहरू जी ने किया, उसको काम कहते हैं। तुम तो सिर्फ भैंसों का की गिनती करते हो। मैं गया था अहमदाबाद, वो बोल रहे थे, एक तकरीर उनकी भी चल रही थी, ऐसा मेरा भी एक जगह तकरीर चल रहा था। भाइयों और बहनों, गुजरातियों, आप होशियार रहो। अगर कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो आपकी सब संपत्ति छीन लेंगी और आपका घर का एक्सरे करके मंगलसूत्र का है और जो भी चीजें तुम्हारे घर में, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब बाहर निकाल निकाल के वो दूसरों को देंगे। अगर तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन उन्होंने दूसरों को देंगे। आपके पास अगर 2 भैंस है, 1 भैंस वो मुसलमानों को देंगे। ये उन्होंने ही कहा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? ऐसों को फिर से वोट देना? मैं पूछता हूं, फिर से वोट देना? नहीं तो? और फिर भी लोग, अभी भी चंद लोग हैं मोदी मोदी बोलने वाले। अरे भाई, वो तो झूठों का सरदार है, फिर भी आप मोदी बोलते हो। मैं किसी को गालियां देना नहीं चाहता, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी के विचारधारा के खिलाफ जरूर हूं और उससे लड़ रहा हूं। आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। संविधान को अपने हक छीन लेना चाहते हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को आप मिटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मोदी जी, आप समझे हैं कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा इस देश की जनता बड़ी होशियार है और आपके खिलाफ जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं, गठबंधन नहीं। ये गठबंधन और कांग्रेस
ये मिल के लोगों की समस्या को वो उठा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ उनको साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई जनता और मोदी के बीच में है, जनता और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि लोग तंग आ गए। बोलते हैं, पहले इलेक्शन में तो बोले, क्या बोले उन्होंने पहले इलेक्शन में, उन्होंने बोला भाई, अरे बाद में बोलो भाई, जिंदा गिंदा रहन दो। मोदी जी ने ये बोला पहले इलेक्शन में, ए जरा जरा चुप बैठो भाई, बाद में बोलो जिंदाबाद जीत के आने के बाद। मोदी जी ने ये बोला, ए जरा चुप बैठो, क्या जी कितने बार बोलना। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, पहले एक क्या तुम्हारा वो बिठा उनको कौन है, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। पहले इलेक्शन में उन्होंने कहा, क्या कहा, कांग्रेस वाले बहुत धन कमाए हैं और बड़े बड़े अमीर लोग भी काला धन रख के वो बाहर स्विस बैंक में रखे हैं। ये उन्होंने शुरू के इलेक्शन में बोला, और वो पैसा लाके मैं हर परिवार को 15-15 लाख दूंगा, हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? तो मिला आपको? अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है? मोदी झूठ बोलता है? झूठ बोला? ठीक है भाई, एक झूठ माफ कर दो। दूसरा बोला 15-16 में उन्होंने, मैं हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया? क्या कैसा हो सकता भाई, प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे हुड्डा साहब ने जिक्र किया और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था उन्होंने, कहा मैं किसानों के लिए उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। आपकी आमदनी डबल हो गई, किसानों को भी नहीं दिया? ये क्या भाई, किसी को भी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं दिया, किसानों को भी नहीं दिया, फिर ये झूठा है क्या, अच्छा आदमी है? तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना, हाथ उठाओ कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा तो क्या गलती है इसमें? और तो और उन्होंने यहीं तक नहीं छोड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर
हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन मोदी उसके बारे में बात नहीं किए और तीन काले कानून लाकर उन्होंने किसानों के हकूक को खत्म करने का काम किया। फिर बाद में जब हम लोग उठे, आप लोग उठे, तैयार हो गए लड़ने के लिए, तब उन्होंने तीन काले कानून को स्थगित किया है और बॉर्डर पे 750 किसान वहां मर गए। कभी उनके बारे में उन्होंने सोचे नहीं। एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप लाकर जब रास्ता उसको नहीं मिला तो 4 लोगों को कुचल के मार दिया। ऐसे लोग फिर उनको, उनके पिताजी को फिर टिकट दिया, वो अब बीजेपी से लड़ रहा है। जो जो किसानों के खिलाफ है उन सब को अगर किसी ने बचाया तो मोदी जी ने बचाया और कहता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। और मोदी जी हमेशा, उनकी आदत है कि किसी को पलने नहीं देते, परमानेंट जॉब नहीं देते, बेरोजगार को बेरोजगारी से रखना चाहते हैं। और बहुत से सरकारी नौकरी निकलते हैं, निकलने के बाद बच्चे सब एग्जामिनेशन को रेडी करते हैं, एग्जामिनेशन रेडी करने के बाद रिक्रूटमेंट चलते वक्त वो पेपर लीक हो जाता है, फिर पोस्टपोन करते हैं। आज मैं कहता हूं हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज खाली है। इतने नौकरियां खाली रख के मोदी जी नहीं दे रहे, उनके चेले यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अगर ये वैकेंसीज अगर भर्ती करे इसमें से बहुत से नौकरी दलितों को जाएंगे, गरीबों को जाएंगे, पिछड़े वर्ग को जाएंगे, आदिवासी को जाएंगे। इसीलिए नौकरी देना बंद कर दिया। उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया अग्निवीर 4 साल के लिए। अरे भाई भाई 25 तारीख अगर तुम इलेक्शन में जिता के लाए तो रियल चौधरी बनेगा, अब चौधरी नहीं। 25 तारीख को चुन के लाओ, उस वक्त वो रियल चौधरी बनेगा। तब तक जरा सुनो। और मेरे भाइयों, अग्निवीर लाए 4 साल, उसके बाद वो बेकार होकर रास्ते पे फिर रहे। मिलिट्री में अगर भर्ती कर लेते, जितने भी वैकेंसीज है वो परमानेंट नौकरी करते थे। इसीलिए आज हरियाणा के लोग, नौजवान लोग, उनके माता पिता घर बेच के, जमीन बेच के, नौकरी नहीं है इसीलिए उनको फॉरेन भेज रहे। फॉरेन में नौकरी मिलो नहीं मिलो, वहां पर भेजकर उन बच्चों को अपने खाने पीने की व्यवस्था होने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो उन तरफ देखने की काम वो नहीं कर रहे और परमानेंट जॉब नहीं देना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30,00,000 वैकेंसीज है, जैसा हरियाणा में
182,000 वैकेंसीज है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसा केंद्र सरकार में 30,00,000 वैकेंसीज है। मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि वहां भी अगर एक बार रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट होता है, रिजर्वेशन आता, तो इन दलितों को वंचित करने के लिए, बैकवर्ड्स को निकालने के लिए, आदिवासियों को निकालने के लिए और दूसरे लोगों को भी 50% मिलता है, उन नौजवानों को भी उन्होंने निकाल रहे, यानी उनको देना नहीं चाहते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने उतना पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। एक बार तो उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन ला रहा हूं अहमदाबाद से बंबई तक, 1,00,000 रुपए खर्च करके मैं बुलेट ट्रेन वहां चलाऊंगा, उसकी कीमत अब 2,00,000 रुपए हो गई। क्या 2,00,000 करोड़ हो गई? तो 2,00,000 करोड़ होने के बावजूद भी आज वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे जो झूठे काम है वो कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती, हम गठबंधन की सरकार तो जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी की सरकार नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारी जो घोषणा पत्र है वो सबके लिए है, गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो सबके लिए है। किसी एक कौम को, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, सारे समाज को 140 करोड़ लोगों को हमारा घोषणा पत्र लागू है। फिर भी मोदी कहते हैं क्या है घोषणा पत्र में, यह मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र। अरे बाबा पढ़ो तो पढ़ो, तुमको पढ़ने को अगर नहीं आता अच्छा, हम एक आदमी को भेजेंगे कांग्रेस ऑफिस से आपको समझाने के लिए। अगर समझे ये टीका करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि ये महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना पर हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी गरीबों का आरक्षण बचाने, और हम जो अब लड़ रहे हैं ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव ही, ये जो है लड़ाई है ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। आरएसएस और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे साथ आप है, आपके साथ हम हैं और कोई हमको मिटा नहीं सकता। आप देखिए 5 तारीख को जादू होगा, इसीलिए तो मोदी परेशान है। हर दिल्ली से गली तक रोज फिर रहे हैं, पहले अभी कभी नहीं फिरते थे ऐसा, अब कहीं भी जाने दो, अरे आज क्या है वो कौन सा बोलते, जीप में बैठ के निकालते ना, रोड शो, हर जगह रोड शो, पहले बाहर ही निकलते नहीं थे, वो सब दूरदर्शन था उस वक्त, दूर से उनका दर्शन लेना, अब गली गली वही दर्शन लेते रहे और जीप में फिरते फिरते
सब जगह जा रहे हैं भाइयों और बहनों, और राहुल गांधी जी को वो लोग उनके बारे में अगर नहीं बोलिए कुछ भी, उनको नींद नहीं आता, खाना भी हजम नहीं होता मोदी जी का, उनका नाम ले ही लेते हैं, गांधी फैमिली को गालियां दे ही देते हैं। अरे भाई उनको क्यों, हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम क्या कर रहे हैं वो बोलिए। क्या राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर है? क्या सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर है? क्या कांग्रेस पार्टी आज उस स्थान पे है जिस स्थान पे आप हो? आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और आपको मैं ये कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ कि आप अपने बुरे विचारों को छोड़ो और देश को कैसा बनाना इसके तरफ सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा, इसीलिए आप आज परेशान हो। और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन, गुप्ता जी हाँ आप गठबंधन और वरुण आप मिलके जोर से जोर लगाना पड़ेगा और 10 के 10 सीट लाना पड़ेगा। हुड़ा साहब हमको तो विश्वास दिला रहे कि हुड़ा साहब कहे हमको हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब क्लीन स्वीप 10 की 10 लाएंगे। हाँ देखो देखो उन्होंने हमारे कैप्टन उठ के बोले 10 के 10 लाएंगे। और ये दोनों जो है यहाँ पर से जिनके लिए मैं आया हूँ, मैं तो सबके लिए आया हूँ, यहाँ से मैसेज जा रहा होगा, लेकिन यहाँ जो है हमारे वरुण है चौधरी, उसके बाद सुशील गुप्ता जी है, ये सब लोग मदद करेंगे। उनको चुनना जरूरी है अगर आपका गठबंधन सरकार बनाना है। देखो मैं आखिरी दो तीन चीजें बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। एक है कि जो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब नोटबंदी भी हो गई थी उस दिन उन्होंने कहा था नोटबंदी के लिए देश के सिर्फ 50 दिन मांगता हूं काले धन लाने के लिए। कितना बोला? 50 दिन। काला धन लाने के लिए 100 दिन पूछा। अच्छे दिन लाने को 5 साल पूछा। वायदों को पूरा करने के लिए 5 साल पूछा। और देश को बनाने के लिए अमृतकाल 2047 में मैं बनाऊंगा विकसित भारत। कहाँ है भाई तुम्हारा विकसित भारत? भी नहीं, और तुम उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे मांगूंगा आपका एक वोट किसानों के लिए MSP गारंटी कानून का हो सकता है, आपका एक वोट किसानों का कर्ज माफ कर सकता है, आपका एक वोट खेती से GST हटा सकती है, आपका एक वोट फसल नुकसान का 30 दिन में भुगतान करवा सकती है। ये सारी चीजें एक वोट से, आपके एक एक वोट से ये सब चीजें कर सकती है। तो मैं आपसे एक एक वोट मांग रहा हूं, इसीलिए आप हम चुन ला हमारे लोगों को, हमारे पार्टी को, हम बता देंगे देश कैसा बनाना। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिखाया है, इंदिरा जी ने दिखाया है, राजू ने दिखाया है, तुम नहीं कर सके हम फिर से करके दिखाएंगे। और हरियाणा
एक नंबर वन स्टेट होगा और उसके बाद मोदी बोलेंगे मैं तो नहीं कर सका, मेरे चेले भी नहीं कर सके, ये कहां से आए भाई कांग्रेस वाले फिर नंबर वन पे लाए, ये वो सोचते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। और मेरे और हमेशा बोलते हैं कि उन्हें फिक्र ही नहीं करते, मोदी जी महंगाई इतनी बड़ी है उसके बारे में कभी बात नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है उसके बारे में बात नहीं करते, मैं फिर किसके बारे में? अरे भाई आप वोट मांगते हैं तो मैंने ये काम किया इसीलिए मुझे वोट दो पूछना चाहिए, उसका उनके चीफ मिनिस्टर पूछने दो, उनके लोग पूछने दो, उनके मंत्री पूछने दो, हरियाणा का कोई आदमी भी नहीं बोलता उनका और मोदी भी नहीं बोलते। मैं आपको दो तीन उदाहरण देके मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। पेट्रोल 2014 में कितना था? 66 रुपए था। मोदी साहब आपके जमाने में कितना है? पेट्रोल 102 रुपए है। डीजल हमारे जमाने में 52 रुपए था, आज क्या है? 90 रुपए है। एलपीजी 414 रुपए था हमारे जमाने में, 903 रुपए अब हो गया है मोदी के जमाने में। आटा 10 केजी 210 था, आज 447 हो गया। दूध की कीमत 39 रुपए थी उस वक्त, आज 66 रुपए हो गया। मस्टर्ड दाल 52 रुपए था, आज 150 रुपए हो गया। तुअर दाल 80 रुपीस था हमारे जमाने में, आज 188 रुपए। बोलिए मोदी की गवर्नमेंट अच्छी थी क्या? हमारी गवर्नमेंट अच्छी है ये तो तालमेल करके देखिए। ये आंकड़े पार्लियामेंट में दिए सो है, ये आंकड़े उन्होंने हर जगह सरकारी दफ्तरों में रखे सो है। अरे तुम ये जनता को खिलाने पिलाने के वस्तुओं सस्ते में नहीं दे सकते, आपको कोई नैतिक अधिकार फिर से वोट मांगने का नहीं है। आपको लोग वोट नहीं देंगे, आप चले जाएंगे। 5 तारीख को हमारी सरकार जरूर आएगी और हम एक होकर लड़ेंगे। इतना कहते हुए हाँ ये देखिए, और एक हमने ओडिशा में हालत देखने के बाद, जो आदिवासियों का गरीबों का ये सब देखने के बाद हमने तय किया कि 5 केजी चावल के बजाय हम 10 केजी चावल गरीबों को बांटेंगे। और महालक्ष्मी स्कीम जो 5 न्याय है उस 5 न्याय में कम से कम 1 लाख रुपए हमारे माताओं को जो घर में बड़ी होती है घर चलाती है उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। युवा को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए 1 साल को देंगे। और नहीं 1,82,000 बोला, चल दिया अब ठीक है। ये तो मेरे पास नए आंकड़े आए, वो बोल रहे कि वैकेंसीज कितने हैं, बोले तो हरियाणा में सरकारी वैकेंसीज 2 लाख है, तो मैं बोला था 1,82,000। ठीक है अभी भी वो भर्ती, अभी छानबीन करो और ज्यादा निकलेंगे, किस किस के पास छुपा के रखे। तो ये युवाओं के लिए 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए, नारी न्याय के लिए 1 लाख रुपए, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे,
जैसा कि हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया था, वैसा ही हम लाखों में भी रहा तो हम माफ करेंगे। नरेगा जैसी योजना जो जिसका आज 200, 250, 300 रुपए, हम उसको बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। 400 रुपए और जनगणना, ये सारी जाति जनगणना, इन चीजों को हम ला रहे हैं। कौन कितने पढ़े हुए लोग हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, जमीन कितनी है, नौकरी कितनी लोगों को है, महिला कितनी पढ़ी है, यह सब का एक आकलन करने के लिए हम लोग जातीय जनगणना करना चाहते हैं और करके रहेंगे लोगों के हित में। किसी की संपत्ति छीन लेने के लिए नहीं, अपने आप को हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है, किस किस जातियों को हम क्या देना चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। किसी के घर में से छीन के ला के नहीं दे रहे, पॉलिसी बनाने के लिए, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने 5-year प्लान बनाया गरीबों के लिए, देश के लिए, और उन्होंने जैसा बनाया वैसा ही हम इस जाति जनगणना के आधार पर पॉलिसी बनाना चाहते हैं। वो पॉलिसी भी आप लोगों के हित में होगा। बस मैं इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करूंगा और मैं अपने मंच पर जो भी बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब मिलके हमको ताकत दो। जैसा हमारे सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा तुम मुझे वोट दो मैं मोदी को हटा के रखूंगा। और मैं बोलूंगा मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं बोलूंगा मोदी हटाओ। क्या यारो मेरे जैसा भी आवाज नहीं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को धन्यवाद, इतने कड़ी धूप में भी आप आकर हमारी बात सुन रहे, आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार।